राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 54 हो गई है। इनमें से 24 मामले भीलवाड़ा में सामने आए हैं। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए इसे कंट्रोल करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 7 विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई है। वहीं मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से वार्ता कर सुझाव भी लिए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान की जनसंख्या को देखते हुए प्रति 10,000 लोगों पर 2 वेंटिलेटर और 2 ICU बेड की जरूरत होगी। इसके अनुसार राज्य भर में 14,000 ICU बेड और करीब 10,000 वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान में SMS अस्पताल में 300 से 400 कोरोना जांच हो रही है। इसके अलावा महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भी 500 जांचें की जा सकती हैं और इसे 1,000 तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं भीलवाड़ा में भी पॉजिटिव केस लगातार सामने आ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज वो 52 हो गई है और इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी ने जो रेस्पिरेटरी और उससे रिलेटेड जो सीनियर मोस्ट लोग हैं डॉक्टर्स राजस्थान में, लगभग 7 लोग हैं, उन लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उनके सुझाव लिए। लोग हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर ML गुप्ता और डॉक्टर अशोक अग्रवाल, डॉक्टर SD गुप्ता, डॉक्टर राजाबाबू पंवार और डॉक्टर सुधीर भंडारी। ये कोरोना वायरस के दौरान राज्य सरकार द्वारा एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है, जिनमें ये सब लोग होंगे और ये समय समय पर जो भी इनकी रिसर्च है या जो इनके पास फीडबैक है कोरोना से फाइट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितने हमें फैसिलिटीज को बढ़ाना है, क्या इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं, जो नए नए रिएजेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी ये लोग बराबर हमको देते रहेंगे। तो आज सबसे बड़ी बात ये रही, कंक्लूजन ये रहा कि राजस्थान की जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए प्रति 10,000 पे 2 ICU के बेड और 2 वेंटिलेटर, इनकी आवश्यकताओं को आज इन विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ कंसल्टेशन के बाद हम लोग इवेल्युएट कर पाए और उसके मुताबिक राजस्थान में करीब 14,000 बेड ICU के लिए जरूरत पड़ेगी और 10,000 वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं हमारे ACS मेडिकल हेल्थ और सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन को, इनके प्रोक्योरमेंट की कार्रवाई विदाउट टेंडर भी शुरू कर सकते हैं अभी, और इनिशियल स्टेज पे जितने अवेलेबल हों उनका प्रोक्योरमेंट सुनिश्चित किया जाए। एक और बात थी कि एक वेंटिलेटर से 3-4 मरीजों को हम ठीक कर सकते हैं, उस डिवाइस पे भी काम करने के लिए कहा गया है और NBC से उसकी बात चल रही है, उसका प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद में अगर ये उचित समझा जाएगा कि एक वेंटिलेटर से 3-4 मरीजों को हम कैटर कर सकते हैं उनकी नीड को, तो वो भी एक प्रायोगिक तौर पर देखा जाएगा। उसके अलावा शाम को आज जिला कलेक्टर्स की, हमारे CMHOs की और PMC जो प्राचार्य हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के उनके साथ, और जो वहाँ PMO हैं, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो सुपरिंटेंडेंट है अलग अलग अस्पतालों के, उनके साथ आज 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी ताकि राज्य की क्या स्थिति है उसके बारे में क्या डायरेक्शन हमको देने हैं। सबसे बड़ी बात जो आज के इंटरेक्शन से आई है सामने कि इसकी संभावना, कोरोना की संभावना सबसे ज़्यादा 60 की उम्र से ज़्यादा लोगों के बीच में होने की संभावना है, वर्ल्ड ओवर ये फैक्ट सामने आया है। तो हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनको हम घर में ही अलग आइसोलेशन में रखें, उनके लिए अगर मान लो जो होमलेस लोग हैं और बुजुर्ग हैं उनको आइसोलेशन में जहाँ भी नियर बाई है वहाँ रखें। बच्चों को भी कहा जाए कि वो अभी दादा दादी नानी नाना इनसे डिस्टेंस। तो चलिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता लोकेश शोला इस वक्त जुड़ चुके हैं। लोकेश, सबसे बड़ी बात